बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय माताजी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय भाभी जी डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी, सन्माननीय शिवप्रकाश जी, चंद्रशेखर बावनकुळे जी, हमारे साथी सुधीर मुनगंटीवार जी, सभी यहां पर उपस्थित गायत्री परिवार के पदाधिकारी और सदस्यगण, सभी उपस्थित याज्ञिक माताएं बहनें और बंधुओं, मैं गायत्री परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस अति भव्य अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने महाराष्ट्र की भूमि को चुना। ये भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये संतों की भूमि है। प्रभु श्री राम जी ने जहां अपने वनवास काल में सर्वाधिक निवास किया वो ये महाराष्ट्र की भूमि है, और एक बहुत बड़ी संत परंपरा का निर्वाह करने वाली ऐसी ये महाराष्ट्र की भूमि है, जहां पर ज्योतिर्लिंगों का भी वास है और जहां पर शक्तिपीठों का भी वास है। ऐसी इस भूमि पर आज यह अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो रहा है। हम सभी जानते हैं आदरणीय परम पूजनीय पंडित श्रीराम शर्मा जी और गायत्री परिवार ने यज्ञ की परंपरा को फिर एक बार वैश्विक स्वरूप दिया, और उसी के चलते आज हमारी सनातन संस्कृति और हमारी यज्ञ की संस्कृति जो पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित है और विश्व शांति की कामना और मनुष्यों को उत्तम आचरण मिले इस प्रकार की कामना जिसके माध्यम से होती है, ऐसे इन कार्यों को आज विश्व तक पहुंचाने का काम गायत्री परिवार ने किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी संस्कृति में गायत्री परिवार का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है, जिसको हम आंक नहीं सकते, इस प्रकार का ये योगदान है। मैं इसलिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये यज्ञ तो सभी के लिए है, हमने सभी के शांति की कामना, सभी के मंगल की कामना की है। हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, ये हमारा मंत्र है, और उसके साथ साथ सभी को नशा मुक्त करने का भी अभियान यहां पर चल रहा है। मेरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये जो 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं, उस विकसित भारत में, विकसित सांस्कृतिक योगदान में गायत्री परिवार का सबसे बड़ा योगदान होगा, ये मैं आज के इस मौके पर कहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत नमन करता हूं और गायत्री मंत्र के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरिण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय सनातन। गर्जा हिंदुस्तान चैनल ला सब्सक्राइब करा आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉन वर प्रेस करा।